गया वो महबूब आलम? वो महबूब आलम कहाँ गया अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय वो महबूब आलम कहाँ गया? कहाँ गया? बांग्लादेश की औलाद, औलाद है सर, बांग्लादेश की औलाद कहाँ गया? वो बांग्लादेश की औलाद महबूब आलम कहाँ गया अध्यक्ष महोदय? उस पर कार्रवाई हो। माननीय सदस्यगण, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर कल दिनांक 28 फरवरी 2023 से जारी वाद विवाद अब प्रारंभ होगा। श्री विजय कुमार सिन्हा माननीय नेता विरोधी दल अपना पक्ष रखेंगे। आज आपका समय 32 मिनट है। अध्यक्ष महोदय, कल माननीय सदस्य महबूब आलम जी ने जो अपने वक्तव्य में बोला और आपने भी उनको रोका नहीं, जो लोग खुद अध्यक्ष महोदय मीर जाफर की औलाद हैं, बांग्लादेशी औलाद हैं, औरंगजेब की औलाद हैं, मार्क्स लेनिन की औलाद हैं, जिन्ना की औलाद हैं, ऐसे लोग आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर आवाज उठाते हैं। ऐसे देशद्रोही लोग, ऐसे जो है जिन्ना की औलाद, ऐसे बांग्लादेशी कहाँ गया हूँ? कहाँ गया हूँ महबूब आलम? वो महबूब आलम कहाँ गया अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय वो महबूब आलम कहाँ गया? कहाँ गया? बांग्लादेश की औलाद है सर, बांग्लादेश की औलाद कहाँ गया? वो बांग्लादेश की औलाद महबूब आलम कहाँ गया अध्यक्ष महोदय? उस पर कार्रवाई हो। और कल भी अध्यक्ष महोदय शब्द नहीं निकला, कहाँ है वो बांग्लादेश की औलाद महबूब आलम? अध्यक्ष महोदय आप ही नहीं टोके, ऐसे बांग्लादेश की औलाद को, ऐसा चिन्ना की औलाद को, ऐसा चाइना की औलाद को, ऐसे लोगों को आप ही नहीं रोके अध्यक्ष महोदय? औरंगजेब की औलाद है, औरंगजेब की औलाद है, चाइना का औलाद है, ऐसे अध्यक्ष महोदय ऐसे देशद्रोहियों को आपने भी नहीं रोका जिस तरह उन्होंने कल बोला अध्यक्ष महोदय? ये देशद्रोही चाइना लेनिन की औलाद, ये लोग जो अध्यक्ष महोदय, ये लोगों ने, ये लोगों निंदा प्रस्ताव होना चाहिए। माननीय सदा सराहोगी जी, मेरे बात को तो सुनिए। आसन आपने सूचना दिया, जो भी आसन संसदीय शब्द है उसको मैं दिखलवा करके कार्यवाही से, अगर वो संसदीय नहीं है तो उसको निकलवा दिया जाएगा। और संसदीय शब्दों को कार्यवाही से निकलवा दिया जाएगा जांच करा करके। अब तो जाइए। माननीय सदस्य, जो भी असंसदीय होगा उसको मैं दिखलवा लूंगा, अगर असंसदीय है तो कार्यवाही से मैं उसको निकलवा दूंगा। नेता विरोधी दल बैठ जाइए, हाँ बैठिए, समय ना बर्बाद कीजिए। अरे बैठिए तो अध्यक्ष महोदय, आप बोलिए नेता विरोधी दल। सदन लोकतंत्र के राज्य के बड़े मंदिर में जनता के विश्वास को जीत कर हम लोग आते हैं। और सदन के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर जो गरिमा गिराने का काम करते हैं तो आसन की ओर से हस्तक्षेप होनी चाहिए। कल सदन में आपकी मौजूदगी में जो गाली गलौज की संस्कृति को बढ़ावा दिया गया, आपको महबूब आलम माननीय सदस्य के द्वारा भाजपा के लोगों के संदर्भ में जो बोला गया वो घोर निंदनीय है और इसे कतई प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। महोदय, राज्य एवं देश की जनता आपको बार बार जो लोग बोल रहे थे उसको नकार चुकी है, देश ने कहीं स्वीकार नहीं किया। और वो व्यक्ति असंसदीय भाषा का कल जिस तरह से उपयोग करते रहे, टोटल प्रेस मीडिया में चल रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो संवैधानिक पद है जिस शब्दों का उपयोग किया गया, तो इनको तो शर्म लगनी चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी आज और आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप कहां पीछे जा रहे हैं। आप अपना स्थान ग्रहण, इसलिए आग्रह है कि 28/2/2023 को
महबूब आलम के द्वारा जो कहा गया है वो खेद व्यक्त करें, क्षमा मांगे या नहीं, तो इस परंपरा को प्रोत्साहित करेंगे तो काउंटर तो होगा।